तो ये है GTA 5 के कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स और आज हम लोग इनकी खतरनाक कार्स को चोरी करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग जो है इस खतरनाक मॉन्स्टर की कार को चोरी करने वाले हैं और भाई तुम लोग देख सकते हो कि इसकी कार यहाँ पे है, लेकिन भाई यार अगर हम लोग आगे की तरफ जाएंगे तो ये जो है हमें देख लेगा। तो रुको यार, मेरे पास एक मस्त सा आइडिया है। तो भाई तुम लोग देख सकते हो कि मैंने जो है एक झीली सूट पहन लिया है और भाई इसकी मदद से तो हम लोग आराम से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आराम से चल 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 भाग। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि वो जो है हमारी ऊपर गौर नहीं कर रहा है। ओके, तो हम लोग जो है एकदम कार के नजदीक पहुंच चुके हैं और भाई तुम लोग देख सकते हो यार उस मॉन्स्टर ने हमारी ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है। और भाई यार चलो जल्दी से हम लोग इस गाड़ी में बैठते हैं और भाई बस ये गाड़ी ज्यादा आवाज न करे स्टार्ट होते समय। और ओ तेरी भाई हो गया यार कल्याण, इसने तो इतना जोर से आवाज किया है यार स्टार्ट करते समय। और भाई लग रहा है यार इस मॉन्स्टर को हमारे बारे में पता चल गया है यार। और भाई ये क्या यार, इसने तो हमें उठा लिया है। और ओ तेरी भाई, भाई हमें उस मॉन्स्टर से फालतू में पंगे नहीं लेने हैं यार, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। वैसे भी भाई वो मॉन्स्टर हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। और भाई ये देखो यार, इस कार में तो यार लेजर गन भी लगा हुआ है। तो भाई हमने जो है फाइनली अपनी पहली कार चोरी कर ली है और भाई जल्दी से हम लोग जो है इस कार को यहाँ पे रख देते हैं। और भाई साहब यार ये कार कितनी ज़्यादा मस्त है यार। और भाई रुको, मैं जो है तुम्हें इसका एक बार लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि सामने के तरफ भाई रोलर लगा हुआ है और भाई ये रहा मशीन गन। और भाई साहब यार इस गाड़ी की तो लुक पूछो ही ना। तो भाई इस बार हम लोग आए हुए हैं सभी मॉन्स्टर्स के बाप गॉडजिला के आइलैंड पे। और भाई तुमने सही समझा, हम लोग जो है इस बार गॉडजिला की खतरनाक कार को चोरी करने वाले हैं। और भाई तुम लोग देख सकते हो यार कि इधर के तरफ है गॉडजिला। और भाई ये देखो यार, ये रही उसकी कार। भाई उसकी कार तो कुछ ज्यादा ही मस्त लग रही है यार। हमें जो है इस आइलैंड के ऊपर चढ़ना होगा। ओके यार, तो हम लोग जो है फाइनली गॉडजिला के घर मतलब कि उसके आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। और ओ यार ओके, तो हम लोग जो है फाइनली फिर से ऊपर के तरफ आ चुके हैं। और भाई साहब यार ये तो पूरा एकदम चट्टान से घिरा हुआ है ये आइलैंड। और भाई साहब यार ये कार देखो यार, ये कार तो हमारे एकदम आंखों के सामने है। बस भाई हमें किसी भी तरह इस कार को चोरी करना होगा। और भाई ऊपर के तरफ है गॉडजिला और भाई मेरे ख्याल से यार उसका ध्यान नहीं जा रहा होगा इस समय कार की तरफ। और भाई ये देखो यार हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं और भाई गॉडजिला को एकदम भनक भी नहीं है। और भाई ये तो लैम्बोर्गिनी है यार। तो भाई हम लोग क्या करते हैं कि गॉडजिला तो अभी पता नहीं क्या आगे की तरफ देख रहा है, तो हम लोग आराम से थोड़ा सा भी शोर नहीं करना है, आराम से कार में बैठते हैं और जल्दी से आराम से धीरे धीरे हमें कार को चलाना होगा ताकि भाई गॉडजिला तक शोर ना जाए कि हमने उसकी कार को ले लिया है। तो आराम से हम लोग इस कार को धीरे धीरे निकालते हैं और भाई यार लग रहा गॉडजिला को अभी तक पता नहीं चला है। तो हम लोग जल्दी से उसकी गाड़ी को निकालते हैं। और भाई ये क्या यार, गाड़ी तो इसकी चट्टानों में फंस जा रही है। तो भाई हमने वहाँ से गाड़ी को उठा तो लिया है, अब बस हमें जो है इस कार को इस अपने बोट पे लादना होगा। तो भाई मैंने जो है फाइनली गॉडजिला की कार को जो है अपनी बोट पे अटैच कर दिया है। तो चलो भाई हम लोग तब इस कार को जल्दी से लेके यहाँ से निकलते हैं। और भाई ये क्या यार, ये कैसा शोर था भाई। भाई मेरे ख्याल से यार गॉडजिला को हमारे बारे में पता चल चुका है यार। अरे जल्दी भाग यार, अगर गॉडजिला ने हमें पकड़ ही लिया तो भाई वो तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा यार। और भाई साहब ये क्या यार, हमने इतना जोर से बूस्ट मारा कि भाई यार हमारी सिप तो जो है डायरेक्ट यहाँ सड़क पे गिर चुकी है। और भाई चलो यार, हम लोग गॉडजिला की पहुंच से काफी ज्यादा दूर हो चुके हैं, तो चलो अब हम लोग अपनी कार को जल्दी से इससे उतारते हैं। तो भाई मैंने जो है फाइनली गॉडजिला की कार को इस सिप से उतार लिया है। और भाई ये क्या यार, मैंने तो सिप को ऐसी जगह पे लैंड किया है कि भाई पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया है। और भाई जल्दी से हम लोग जो है गॉडजिला की कार को भी यहाँ पे पार्क कर देते हैं। और भाई मेरे ख्याल से यार सबसे मस्त गाड़ी तो हमारी गॉडजिला वाली ही लग रही है यार। और तुम लोग देख सकते हो कि सामने की तरफ गॉडजिला का सिंबल है, उसका फोटो है। और भाई इधर की तरफ भी गॉडजिला लिखा हुआ है यार।
और भाई साहब ये वाली कार तो मुझे सबसे बेस्ट लगी है। रुको मैं तुम्हें इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। और भाई मेरे ख्याल से यार मैंने जो है इससे मस्त इंटीरियर आज तक किसी भी कार का नहीं देखा यार। तो चलो यार इस गाड़ी को हम लोग एकदम संभाल के रखेंगे। तो भाई हम लोग जो है फिर से एक खतरनाक मॉन्स्टर के घर आ चुके हैं। और भाई रुको मैं जो है इस साइकिल को यहाँ पे रखता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई इस बार हम लोग किस मॉन्स्टर के घर आए हैं। तो भाई यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये जो है किंग कॉन्ग और भाई ये है उसकी खतरनाक वाली कार। तो भाई हम लोग जो है किंग कॉन्ग के घर आ चुके हैं और भाई तुमने सही समझा यार, अब हम लोग किंग कॉन्ग की कार को चोरी करने वाले हैं। लेकिन भाई मैंने जो है यहाँ पे देखा है कि भाई कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है यार। रुको हम लोग जो है जल्दी से यहाँ पे छुप जाते हैं। तो भाई मैं जो है यहाँ पे आ चुका हूँ और भाई तुम लोग देख सकते हो कि एक बॉडीगार्ड उधर है और एक इधर है और भाई इधर की तरफ भी है यार काफी बॉडीगार्ड। तो भाई मैं जो है सबको तो नहीं मार पाऊंगा लेकिन भाई एक को हम लोग मार सकते हैं। और भाई ये वाली गन ज़्यादा शोर भी नहीं करती है। तो भाई तुमने देखा कि किसी ने हम पे ध्यान नहीं दिया है और मैं जो है छुप जाता हूँ। ओके तो अब उस बंदे को घूमने दो और जब जल्दी से हम लोग भागते हैं। ओके तो अब हम लोग भाई इधर के तरफ आ चुके हैं और भाई तुम लोग देख सकते हो यार कि सामने के तरफ एक बॉडीगार्ड है लेकिन भाई हम लोग जो है इस समय दीवार के पीछे छुपे हुए हैं और भाई ये वाला बॉडीगार्ड आगे की तरफ देख रहा है। ओके तो भाई तुम लोग देख सकते हो वो बॉडीगार्ड आगे जा चुका है और अब हम लोग जो है जल्दी से इस बॉडीगार्ड को मार देते हैं। और भाई अब हम लोग जो है इस बॉडीगार्ड के कपड़ों को जल्दी से पहन लेते हैं और हम लोग भी जो है एक बॉडीगार्ड के लुक में आ जाते हैं। ओके भाई तो अब हम लोग भी जो है बॉडीगार्ड के लुक में आ चुके हैं और भाई अब हमारे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। और भाई मेरा नाम है बॉडीगार्ड फ्रैंकलिन। तो भाई अगर कोई हमें रोकता है तो हम लोग कह देंगे कि हम लोग भी जो है बॉडीगार्ड हैं। और भाई मेरे ख्याल से यार ये प्लान बहुत सही काम करने वाला है। ओके तो हम लोग आराम से चलते हैं। भाई वो देखो एक बॉडीगार्ड हमें देख रहा है पर वो हमें रोक नहीं रहा है क्योंकि वो जानता है कि हम भी एक बॉडीगार्ड हैं। चलो यार तो फाइनली अब हम लोग जो है किंग कॉन्ग के घर में आ चुके हैं और भाई अब तो उसकी कार हम लोग लेके जाएंगे ही जाएंगे। और भाई तुम लोग देख सकते हो यार किंग कॉन्ग का घर कितना ज्यादा मस्त है यार। लेकिन अभी हम लोग जो है कार चोरी करने पे फोकस करते हैं। तो भाई मैं जो है अभी किंग कॉन्ग के कमरे में आया हुआ हूँ और भाई तुम लोग देख सकते हो कि किंग कॉन्ग जो है अभी काफी गहरी नींद में सो रहा है। और भाई मेरे ख्याल से यार इसे जो है हमारे ऊपर जरा सा भी शक नहीं हो रहा है। तो भाई ये हमारे लिए बहुत मस्त बात है। तो चलो यार हम लोग जो है किंग कॉन्ग से कुछ बहाना मारते हैं ताकि हम लोग जो है इस कार को इस घर से निकाल सके। और भाई एक बार अगर हम लोग इस घर से जो है इस कार को निकाल लिए तो भाई फिर किंग कॉन्ग हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो किंग कॉन्ग सर आप देख रहे हैं कि ये कार कितनी ज्यादा गंदी हो गई है और कितने दिन से ये कार सर्विस भी नहीं हुई है। तो किंग कॉन्ग सर मैं जो है इस कार को जल्दी से सर्विस करके लाता हूँ ताकि ये कार जो है अच्छे से सुंदर हो जाए फिर से। तो चलो यार मैंने जो है किंग कॉन्ग को बहाना मार दिया है और भाई वो जो है हमारे झांसे में आ चुका है। तो चलो अब जल्दी से हम लोग इस कार को आराम से यहाँ से निकालते हैं एकदम आराम से। भाई किसी को भी शक नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। ओके यार तो हम लोग जो है इस घर के मेन गेट पे आ चुके हैं और भाई फाइनली हमने किंग कॉन्ग की गाड़ी को चोरी कर लिया। और भाई ये क्या यार ये शोर कैसा था। भाई मेरे ख्याल से यार किंग कॉन्ग को पता चल चुका है। ओ नहीं यार वो तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा यार, भागना होगा हमें। और भाई ये देखो यार हमारी गाड़ी जैसे ही लड़ी भाई किंग कॉन्ग यहाँ पे आ चुका है। और भाई नहीं यार किंग कॉन्ग ने तो हमें उठा लिया और भाई इसने तो हमें फेंक दिया यार। ओ शिट यार भाई हमें तेजी से भागना होगा यार इससे पहले कि किंग कॉन्ग फिर से आए और हमें मारे। तो भाई फाइनली किंग कॉन्ग से किसी तरह बचते हुए हम लोग जो है उसकी कार चोरी करके यहाँ पे आ चुके हैं। और भाई ये देखो यार ये रही हमारी दोनों सुपर कार्स। और भाई अब हमारे पास हो चुकी है तीन तीन कमाल की सुपर कार्स। तो भाई यहाँ पे तुम लोग जो है तीनों सुपर कार्स को साथ में देख सकते हो। और भाई तुम्हें इन तीनों कार में से सबसे मस्त कार कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलो भाई यार आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड जय हिंद।